बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़फ़र फारूकी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज, KMC स्टोन नश्तर रोड। टुडे माय टॉपिक इज़ फ्रॉम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा। टुडे टॉपिक इज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, the textbook of biology for class first year, SIN textbook board. Section 3, biodiversity, chapter 10, the kingdom Animalia, 10.8, phylum Arthropoda. Economic importance, page 213. Today we will discuss the economic importance of Arthropoda. Economic importance of Arthropoda. Arthropoda are great economic importance. The predominant group of Arthropoda, insects predominant, iska sabse bada group kaun sa, insecta, class insecta, not only helps in pollination but also predates on plant pests. Many causes diseases in plants and animals. अभी इसका तफसील हम जिक्र करेंगे. Transferring bacteria and viruses. बहुत सी डिजीज इन ह्यूमन बींग. They are responsible for transmission of trypanosoma, plasmodium and germs of cholera. ये सारी बीमारियां भी फैला रहे हैं आर्थोपोडा. Economic importance of आर्थोपोडा. Economic importance of Arthropoda. Arthropoda are also important source of food for many animals and carnivorous plant. Carnivorous plant, insect eating plants, insectivorous भी कह सकते हैं. Carnivorous plant. Seafood is also Arthropoda. Crustaceans, prawn, झींगा, lobster वगैरह, crab वगैरह, झींगे खाए जाते हैं. सी फूड ये सब कौन है? आर्थ्रोपोडा. दिस इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा. सी फूड भी है. पॉलिनेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है? पॉलिनेशन, शहद की मक्खियां और इंसेक्ट्स, दूसरे आर्थ्रोपोडा. पॉलिनेशन, transfer of pollen grains from a stigma to from the anthers to the stigma of the flower. Pollination. Pollination ka amal kaun kar rahe hain? Insects kar rahe hain. Insects pollination ka amal bhi kar rahe hain. Arthropoda pollination ka amal kar rahe hain. Butterfly pollination. Again some diagrams of Arthropoda involved in pollination. Just like beetle, a beetle here pollination ke amal mein masroof hai. Pollination ka amal, bee pollination ka amal, wasp idhar pollination ka amal. Pollination, predators on plant pests. Predator, ये मेंटिस बहुत मशहूर है. मेंटिस ग्रास ऑपर को खा रहा है. ग्रास ऑपर ऑफ कोर्स प्लांट्स को खाता है, प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है. ये हेल्पफुल है, यानी कि अगर ये ग्रास ऑपर को खा जाएगा तो आपके आपके जो क्रॉप है, क्रॉप वगैरह बच जाएगी, आपके प्लांट बच जाएंगे. मेंटिस आर्थ्रोपोडा. ये देखें एक वेस्प, एक वेस्प है, ये लार्वा को खा रही है, किसी इंसेक्ट्स के लार्वा को खा रही है. सारे लार्वा पत्तों को खा रहा है तो ये इस लार्वा को खा रही है. अगर ये वेस्प होगी तो ये पत्ते खाने वाले लार्वा जितने भी होंगे वो इंसेक्ट्स वो उनको खा जाएगी और आपके प्लांट जो पौधा है वो बच जाएगा. प्रीडेटर ऑन प्लांट पेस्ट्स आर्थ्रोपोडा. Economic importance of Arthropoda is they are predators on plant pests.
एग्जाम्पल आपको डायग्राम से समझ में आई। डिजीज इन प्लांट्स, बीमारियां प्लांट्स के अंदर, बीमारियां सबसे अहम ग्रुप जो है एफिड्स है। एफिड्स जो है वो आर नोन टू ट्रांसमिट ओवर 150 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट वायरसेस इंक्लूडिंग बीट मोज़ेक कैबेज। वायरसेस सबसे इंपॉर्टेंट, इस वजह से इसका जिक्र किया। डिजीज इन प्लांट्स आर्थ्रोपोडा एफिड्स, देखें कॉलीफ्लावर मशहूर, कोकम्बर मोज़ेक, अनियन प्याज को भी, पोटैटो आलू, टोबैको मोज़ेक, टोमेटो स्पॉटेड, टमाटरों में भी वायरसेस फैला रहा है एफिड। 150 डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट वायरसेस फैला रहा है, इस वजह से बहुत बड़ा ग्रुप है आर्थ्रोपोडा का जो डिजीज इन प्लांट में डिजीज फैला रहा है, हमारे कॉमन प्लांट्स के अंदर डिजीज फैला रहा है। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा, ये एफिड अभी किसी ऊपर जिक्र किया है, एफिड इसकी डायग्राम। डिजीज इज एनिमल, जानवरों में, एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज फैला रहे हैं, इंसेक्ट्स सबसे बड़ा तो इंसेक्ट मॉस्किटो मलेरिया फैला रहा है, लाइस फ्लीज बैड बग्स एंड टिक्स आर एबल टू ट्रांसमिट अ नंबर ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय इंफेक्शियस एजेंट्स, वायरसेस, चिकनगुनिया वायरस, येलो फीवर, डेंगी फीवर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्लेग बैक्टीरिया, पैरासाइट मलेरियल पैरासाइट बाय मॉस्किटो विच इज आर्थ्रोपोडा, स्लीपिंग सिकनेस, लेशमेनियसिस, ये सारी बीमारियां कौन फैला रहा है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ मैनी डिजीजेस इन एनिमल्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा एक डायग्राम से समझ में आएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा ट्रांसमिटिंग डिजीजेस इन एनिमल्स, येलो फीवर मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो, सिस्टी फ्लाई, ह्यूमन बॉट फ्लाई, हाउस फ्लाई भी बहुत सी बीमारियां फैला रही। डिजीजेस एनिमल्स बाय आर्थ्रोपोडा, ड्रोसेरा कैपेंसिस कॉमनली नोन एज कैप सेंड्यू पौधा है। ये देखें इसने मक्खी को आर्थ्रोपोडा को पकड़ा हुआ। पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे एनिमल क्या है, कार्निवोरस प्लांट्स, सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी एनिमल्स एंड कार्निवोरस प्लांट। यहां कार्निवोरस का जिक्र, कार्निवोरस प्लांट पिचर प्लांट, या कोई इंसेक्ट्स बैठ जाएगा आर्थ्रोपोडा इसको ट्रैप कर लेंगे। ये ऐसी सॉइल में रहते हैं जहां नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस कम होते हैं, उस नाइट्रोजनस सोर्स को हासिल करने के लिए एनिमल को लेते हैं, एनिमल नाइट्रोजनस सोर्स को ले लेते हैं, एनिमल इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा के, एज पर आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स ये। सनड्यू पिचर प्लांट बहुत मशहूर है, पिचर प्लांट हमने पढ़ा है। वेनस फ्लाई ट्रैप, ये खुला हुआ होता है, इसके अंदर देखिए अंदर मक्खी फंसी हुई, फ्लाई ट्रैप जो ट्रैप कर लेते बंद हो जाता है। सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी कार्निवोरस प्लांट्स, कार्निवोरस प्लांट्स भी हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दिस इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फार, सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी एनिमल्स, स्पाइडर वेब्स, एंट्स, स्कॉर्पियंस, ग्राउंड बीटल्स, सेंटीपीड्स, मोस बर्ड्स, बैट्स, लिजर्ड्स, एंटीटर, आर्मेडेलोस, पेंगोलिन, एंटीटर देखा चूटिया खाता है, सोर्स ऑफ फूड फॉर एंड मैनी एनिमल्स, बड़े एनिमल्स के लिए भी, स्पाइडर भी दूसरे आर्थ्रोपोडा को खाती है, वेस्प भी खा रही है, वेस्प अभी आपने ऊपर देखा, चूटियां भी खा रही होती हैं। बर्ड्स आर कॉमन प्रीडेटर, बर्ड्स भी खाते हैं वॉर्म्स, उनके लार्वा वॉर्म्स वगैरह को खा जाते हैं, इंसेक्ट्स लार्वा खाते हैं, बर्ड्स भी खाते हैं। रॉबिन पर्टिकुलरली फेवर अर्थवॉर्म्स एंड कैन ईजली डिटेक्ट देम अंडरग्राउंड। कुकूस बर्ड्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द ट्री कैनोपी फीड ऑन कैटरपिलर
कैटरपिलर्स और बटरफ्लाइज, आर्थ्रोपोडा के कैटरपिलर्स को भी खा जाती हैं बर्ड्स वगैरह, बर्ड्स खा रही हैं, लिजर्ड खा रही है, बैट खा रही है, तो ये एनिमल भी आर्थ्रोपोडा के सोर्स ऑफ फूड है. आर्थ्रोपोडा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा, सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी एनिमल्स, सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी एनिमल्स. जैसे दिखाया स्पाइडर के लिए, कोई इंसेक्ट स्पाइडर फंसेगा, कोई आर्थ्रोपोडा यहाँ फंसेगा, स्पाइडर खा लेगी. लिजर्ड घर में भी चिपकली होती है, वो कॉकरोच वगैरह को, इंसेक्ट्स को, मॉस्किटो को वगैरह को, इंसेक्ट्स को खा रही होती है. बैट भी बहुत से आर्थ्रोपोड्स को खाती हैं. तो दिस इज सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी एनिमल्स. द आर्थ्रोपोड्स आर सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी एनिमल्स. फूड चेन में देखें, इकोसिस्टम के अंदर अपने फूड चेन के अंदर देखें, ग्रास हॉपर, ग्रासेस तो है ही, ग्रास हॉपर को किसने, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग ने, लिजर्ड, लिजर्ड ने हॉक, और ये भी डिकम्पोज होगी, डिकम्पोजर फंजाय बैक्टीरिया वगैरह, फिर यानी कि ग्रास हॉपर यहाँ पर एक फूड चेन के अंदर मौजूद है. आर्थ्रोपोडा, दिस शोज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा इन फूड चेन एज वेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्थ्रोपोडा की बहुत अहमियत है, आर्थ्रोपोडा की फूड चेन के अंदर भी बहुत अहमियत है. ये आर्थ्रोपोडा निकाल दें तो जाहिर सी बात है फ्रॉग किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रॉग और भी एनिमल पे, लेकिन ज्यादातर इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फूड चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी. आर्थ्रोपोडा की इंपॉर्टेंस. फिर एक और फूड चेन देखें, इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स है, टैरेंटुला, स्पाइडर, स्कॉर्पियन खा रहे हैं, और लिजर्ड भी इंसेक्ट्स को खा रही है, लिजर्ड भी खा रही है और हॉक खा रहा है, ठीक है, लिजर्ड को फॉक्स भी खा रहा है. तो ये आर्थ्रोपोडा, यहाँ आर्थ्रोपोडा की अहमियत, आर्थ्रोपोडा एक आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा यहाँ पर भी आर्थ्रोपोडा एक दूसरे को खा रहे हैं. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा, इनकी अहमियत फूड चेन, फूड वेब, फूड साइकिल के अंदर इनकी अहमियत, इस टाइम में इनकी अहमियत है. सी फूड इज ऑल्सो आर्थ्रोपोडा, क्रस्टेशियंस, प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब्स, सी फूड इज ऑल्सो आर्थ्रोपोडा, क्रस्टेशियंस क्लास क्रस्टेशियन की, सी फूड, प्रॉन, झींगा वगैरह, लॉबस्टर खाए जाते हैं. द फाइलम आर्थ्रोपोडा नॉट ओनली कंटेन्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स लॉबस्टर, श्रिम्प्स, क्रैब्स, बार्निकल्स, आइसोपोड्स, कॉपीपोड्स एंड एम्फीपोड्स, बट ऑल्सो ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स मैनी इंसेक्ट्स. ऑफकोर्स आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा इनका सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा. ऑल द लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स, क्रैब्स, बार्निकल्स, आइसोपोड्स, कॉपीपोड्स एंड एम्फीपोड्स आर क्रस्टेशियंस, क्लास क्रस्टेशिया. आर्थ्रोपोडा की क्लास क्रस्टेशिया इंपॉर्टेंट. प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब्स ये खाए जाते हैं दुनिया में, सी फूड. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा, सी फूड इज ऑल्सो आर्थ्रोपोडा, क्रस्टेशियंस, प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब्स. दिस शोज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा एज अ सी फूड. लॉबस्टर क्रैब फिर कॉल लॉबस्टर एंड प्रॉन्स एज अ सी फूड. प्रॉन्स, झींगा, फ्राइड प्रॉन्स, झींगा. दिस शोज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा, ये खाए जाते हैं. फार्मिंग ऑफ हनी बी, एपिकल्चर, शहद की मक्खी शहद बनाती है, इनकी फार्मिंग भी होती है, इनकी फार्मिंग ऑफ हनी बी, इसको कहते हैं एपिकल्चर, इनकी फार्मिंग होती है शहद की मक्खी. ये देखें यहां पर खास किस्म के फार्मिंग हो रही है, खास किस्म के इनके केसेस होते हैं, इसमें ये मक्खियां, शहद की मक्खियां पाली जाती हैं शहद के लिए. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा, फार्मिंग ऑफ हनी बी नोन एज फार्मिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म भी किया जाता है, सिल्क वॉर्म. बम्बेक्स मोराई, द डोमेस्टिक सिल्क मॉथ, ये बहुत अहम है. डोमेस्टिक सिल्क मॉथ इज एन इंसेक्ट फ्रॉम द मॉथ फैमिली. इट इज क्लोजेस्ट रिलेटिव टू बम्बेक्स मैंडरिना. द वाइल्ड इसकी अहमियत नहीं है यहां पर. सिल्क वॉर्म इज द लार्वा ऑफ कैटरपिलर, ऑफकोर्स इसका लार्वा है, लार्वा और कैटरपिलर ऑफ अ सिल्क मॉथ.
अब ये लार्वा होता है, फिर वो उसका ककून बन जाता है। ककून में ये जो सिर्फ वॉर्म होता है, इसका लार्वा होता है, वो सिल्क सिक्रीट करता है, वो सिल्क सिक्रीट करता है और अपने ककून बना लेता है। उन ककून को जो जो सिल्क फार्मिंग करते हैं वो हासिल करते हैं, उससे फिर सिल्क हासिल करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मिंग ऑफ सिल्क, फार्मिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सेरिकल्चर। ये देखें लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। ऑफ कोर्स ये एग दे दिए, एग लार्वा, लार्वा से कोकून बना, कोकून। ये लार्वा सिक्रीट करता है अपने ऊपर कोकून, ये एक्चुअली ये निकल के आई अडल्ट। तो इस कोकून, ये एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोकून इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स टोटली अ सिल्क, इससे सिल्क बनाया जाता है। ये धागा, अपने ऊपर धागा बना लेता है कोकून, ये है सिल्क, से सिल्क हासिल होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा, सिल्क भी हासिल हो। ये चंद रेफरेंसेस जो इस लेक्चर के दौरान इस्तेमाल हुए उनका जिक्र यहाँ हुआ है। इनकी मदद से लेक्चर बनाने में बहुत मदद मिली है। इन तमाम रेफरेंसेस का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। The students are always welcome to ask any question in the comment box. I will try to answer all questions. मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में करें, वो करें, इंशाल्लाह मैं तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आइंदा एक और लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। और यहाँ रेफरेंसेस का भी मैंने जिक्र कर दिया है, तमाम पिछले मेरे लेक्चरों में भी ये रेफरेंसेस यूज़ होते रहे। इन तमाम रेफरेंसेस का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में करें। इंशाल्लाह एक और लेक्चर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।